कि शेर पड़ा गया। अब शेर मैं बोलकर बताता हूँ कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। और मेरी सांसों में जलती भाव, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। जलसे आम के सदर मोहतरम नसीम खान साहब, मंच पे तशरीफ फरमा शेख असीस साहब, मंच पे तशरीफ फरमा कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदारान, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन, कारपोरेटर हजरात, साबिक कारपोरेटर हजरात और इस जलसेगाह के अंदर मौजूद हमारे सभी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहने, इक्कीस अक्टूबर को जरा साइलेंस यहां, 21 अक्टूबर को असेंबली का चुनाव होने जा रहा है और 8 रोज सिर्फ बचे हुए हैं। 8 दिन में आप लोगों को बहुत सोच समझकर फैसला करना है। चल लो यार, मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से सियासत निचले दर्जे के ऊपर जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे लगा था भैया कि हैदराबाद के अवैसी साहब की पार्टी यहां पर आकर मालेगांव शहर की आवाम की खामियों को दूर करेगी और कुछ इसलाह करने की कोशिश करेगी, लेकिन जितने हम लोग जलसे देख रहे हैं कल का भी जलसा की खबर हम लोगों को लगी, यहां पर जो जलसा हुआ जुमा को उसकी भी खबर है, आपकी पार्टी का नाम है इत्यादुल मुस्लिमीन, लेकिन मैं समझता हूं अवैसी साहब आपकी पार्टी का नाम इंतजार रख दो, जिस तरीके से यहां पर इंतजार पैदा करने की कोशिश इस मस्जिद और मीनारों के शहर में की जा रही है और वो भी सिर्फ एक सियासी कुर्सी हासिल करने के लिए, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारा तो ईमान है दुनिया में आने का वक्त हमारा तय है और कितने दिन दुनिया के अंदर हम लोग जिंदगी गुजारने वाले हैं और इस दुनिया से हम लोग कब जाने वाले हैं सब अल्लाह तबारक व तआला ने तय करके हम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा है। मैं यहां पर कितनी भी अच्छी तकरीर कर लूं, चाहे मैं यहां पर
भी कर लूं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला मुझसे राजी नहीं होगा मेरी मगफरत नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का बहुत प्रेम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझको झूठ से बहुत बचाया है, झूठ बोलने से मुझे बहुत बचाया है। मैं जरूर सियासत में हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईमानदार तौर पर मैं ये बात आप लोगों को आज कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है, चाहे स्टेज से चाहे निजी महफिल में, मैं सबको सच बोलूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं। यह अल्लाह का बहुत एहसान है। मैं आज बहुत हाई लेवल की बात नहीं करूंगा, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि इस गुलजार नगर डिपो के रहने वालों को, इस सबीर नगर के रहने वालों को, मुंशी शाबान नगर के रहने वालों को, चमन नगर के रहने वालों को सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस रोड के ऊपर जो जलसा हुआ दो दिन पहले, उन लोगों को इतना झूठ बोला गया, इतना डराया गया कि आपकी बस्तियां उजड़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं इस गुलशेर नगर के रहने वालों से, क्या आप बताओ 2012 में जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के दो कार्पोरेटर चुन गए, सायरा शेख नसीर साहिबा उस वक्त मेयर रहे, हाई परचेज का मामला जो सिर्फ ठहराव हुआ करता था, लेकिन आपको याद होगा कि 2009 से लेकर 2012 तक कांग्रेस पार्टी का मेयर नहीं था। उस वक्त 1800 नाम गुलशेर नगर टीपू के उस यादी के अंदर डाले गए थे कि आपको यहां से उखाड़ कर घरकुल योजना के अंदर भेज दिया जाएगा। याद करो वो दिन, रमजान महीने का दिन था, लोग बहुत परेशान थे, और जब हमारे हाथ में कोई इख्तदार नहीं था, ना कॉरपोरेशन का ना असेंबली का इख्तदार था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस पार्टी का सदर था, आप लोगों के साथ में मिलकर और 17 हाई परचेज नवी झोपड़पट्टियों के साथ के रहने वालों के भी नाम उसमें आए, आप लोगों के साथ में हमने इतराज दाखिल किया, और उसके बाद आप लोग 2012 के अंदर जब हमारा इक्तदार आया तो हम लोगों ने हाई परचेज की सनद आप लोगों को देने का काम किया, जो आपके घर के कार्ड रखा होगा देख लो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। वो सनद का मतलब ये है कि आपको यहां से कोई उजाड़ नहीं सकता, आप यहां पर है, यहां पर रहेंगे, आप यहीं पर रहने वाले हैं, कोई उजाड़ नहीं सकता, लेकिन जमीन खिसकती हुई नजर आ रही तो आवाम को डराने का काम किया जा रहा है। सबीर नगर के रहने वाले तो खरीदी हो चुकी और उसके बाद उनको डराया जा रहा, यह बहुत अफसोस की बात है। मैं आज गुलशेर नगर के रहने वाले
शब्बीर नगर या गुरुवारवाड़ के अंदर आजाद नगर के बीच जितनी भी झोपड़पट्टियां हैं, जितने भी मकानात हैं, आपको यकीन दिलाता हूं शेख रशीद का परिवार जब तक जिंदा है जब तक आपका कोई अस्तित्व नहीं उतार सकता। ये वादा मैं करता हूं आज आप लोगों से, बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे झूठों के झांसे में आने की जरूरत नहीं। दोस्तों और साथियों, मैं आज इसके बाद दो जलसे हैं, उसके बाद जलसा नहीं होगा, डायरेक्ट आपको वोट देने जाना है। आज मैं इस गुरुवारवाड़ के रहने वालों से बोलना चाहता हूं, मेरे गरीब भाइयों से बोलना चाहता हूं, मेरे झोपड़पट्टी में रहने वाले भाइयों से बोलना चाहता हूं और इस शहर की आवाम से मैं बोलना चाहता हूं। मेरी मां बहने भी मेरी बातों को सुने, अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो मुझे वोट देना, और अगर मेरी बात नहीं पसंद आए तो मुझे असेंबली का इलेक्शन हरा देना, कोई परवाह नहीं मुझको। लेकिन आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, कि आप अगर घर से वोट देने निकलेंगे तो अपने मासूम बच्चों को ले उनके तरफ देखकर निकलना, उनका चेहरा देखकर निकलना। मैंने कई जलसों के अंदर यह बात कही, लेकिन आज वापस मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि आप लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, हमारे भाई हमारी बहनें, आप लोग बहुत दयावान हो, आप लोग बहुत दिल वाले हो, आप लोग बहुत खुशहाल हो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आप लोग जिंदगी भर खुशहाल रहे। लेकिन 2014 का 2019 का ये इलेक्शन के बाद जो हालात इस मुल्क के अंदर आने वाले हैं, इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाले हैं, जब एनआरसी लगेगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जिस तरीके से अमित शाह का बयान आ रहा है कि सिर्फ वो एनआरसी मुसलमानों के लिए लगेगा, और इतना भयानक कानून, देश से गद्दारी से भी खतरनाक कानून एनआरसी है, उसमें तो जमानत हो जाती है लेकिन इसके अंदर जमानत की बात नहीं है। मेरी बात याद रखना कि आपको अपने एक दिन के बच्चे का भी आधार कार्ड, उसका जन्म दाखला, उसकी नोंद बताना होगी कि यह तुम्हारा बच्चा है, एक मां ने उसको जन्म दिया है। 5 साल का बच्चा आपके घर में होगा, उसके भी पेपर, उसके भी दाखिला आपको बताना होगा कि यह मेरा खून है। एक मां को यह साबित करना होगा कि यह मेरे बच्चे हैं और यह मेरा दाखिला है। एक बाप को यह बोलना होगा कि यह मेरी बीवी है, यह मेरे बच्चे हैं और यह मेरा दाखिला और आधार कार्ड है। और एक बाप के बाप को यह बोलना होगा कि यह मेरा लड़का है, उनका दाखिला, और वो जो आज दुनिया में नहीं होगे परदादा, उनका भी दाखिला लाकर यह भाजपा की सरकार के सामने हम लोगों को पेश करना होगा। और उसके अंदर अगर एक भी दाखिला कम रहा तो आपको यह बोल दिया जाएगा कि तुम इस हिंदुस्तान के सही नहीं हो, तुम यहां के रहवासी नहीं हो,
तुम बाहर के देश से आकर यहां पर रह रहे, आज मुझे बताओ, मुझे पता है यहां के रहने वाले यह शहर का बहुत कम लोग है जो यहां के प्रॉपर रहने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा कोई उत्तर प्रदेश से हमारे भाई आए, कोई मराठवाड़ा से आया, कोई खानदेश से आया, कोई विदर्भ से आया, सब आके हम लोग यहां पर बसे। लेकिन आज भी जब हम लोग 1950 का दाखला हमारे परदादा का लाने के लिए जाएंगे तो आपको अपने गांव में जाना पड़ेगा जहां से आप लोग आए, और वहां से दाखला निकालना होगा। और अगर वो नहीं मिला तो तुम कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा सिजरा है, ये तुम्हारी खानदान है, तुम इसकी नस्ल हो, ये कैसे साबित करेगी? ये शहर को बर्बाद करने के लिए MIM पार्टी आई है, सिर्फ ये मुसलमानों को महाराष्ट्र में बर्बाद करने के लिए आए, हमारे जज्बात से खेलने के लिए आए। उनको कोई परवाह नहीं आपकी, ये नहीं जाएंगे। और इसी साहब आप नहीं आओगे एक गरीब का दाखला निकालने के लिए खानदेश, आप नहीं आओगे, आप मराठवाड़ा नहीं आओगे, आप उत्तर प्रदेश नहीं जाओगे। आपने जिम्मेदारी लेकर गई, आपको पता है जिस शख्स की तुमने जिम्मेदारी ली वो नाकाम शख्स है, नाकाम शख्स है। ये शहर के लोग तुम्हें कहां ढूंढेंगे? हमारा शहर गरीब है भैया, और इसी साहब बहुत गरीब लोग हैं। हैदराबाद का टिकट का पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे बहुत छोटे मसाइल होते हैं, बहुत छोटे मसाइल होते, हमारे पास तो बस स्टैंड पे जाने के लिए रिक्शा का भी पैसा नहीं है जो तुम जिम्मेदारी लेकर जा रहे हो। और ये एनआरसी अगर लगा कोराम मच जाएगा, कोराम। मैं यकीन के साथ बोलता हूं यहां पर पुलिस का भी कैमरा चल रहा है, वो भी मेरी बात को नोट कर ले। जैसे नोटबंदी के टाइम लेने लगी थी उससे भयंकर लेने लगेगी। और जब तुम अगर ये शहर के अंदर MIM का MLA चुनकर दे दोगे, हम तो काम पर चले जाते। मेरी मां बहनों से बोलना चाह रहा हूं कि आपको स्कूल के अंदर दाखला निकालने के लिए लाइन लगाना पड़ेगी, आपको कॉर्पोरेशन में दाखला निकालने लाइन लगाना पड़ेगी, आधार कार्ड के लिए लाइन लगाना पड़ेगी, आपको देहातों में जाकर दाखला निकालना पड़ेगा। अगर ये शहर के अंदर MIM का MLA चुनकर आ गया, शहर के आवाम ने गलती कर ली, तो जब आप दाखला लेने के लिए जाओगे, दाखला लेने के लिए जाओगे तो क्या बोला जाएगा, कहां से आए? तो वो तो रहेगा ना बीजेपी का मानने वाला जो सरपंच होगा, वो तो RSS का मानने वाला होगा, और वो जब आपको दाखला देने से इनकार कर देगा कि आप उस शहर से आए जहां पर MIM के लोग चुनकर आए, फिर क्या करोगे? कौन तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा? ये सोचना पड़ेगा आज इस शहर की आवाम को, सोचना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने नहीं सोचा तो वो मासूम बच्चों की तरफ देखकर अगर आपका दिल नहीं कांपेगा तो जाकर मेरे खिलाफ वोट कर देना, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अगर आपका दिल कांपता होगा, आपके बच्चों से आप प्यार करते होंगे, तो फिर इस शहर के अंदर MIM नहीं होना, ये तय आज आप लोगों को करना होगा, ये तय करना होगा। उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज क्या हुआ, सवेरे सवेरे
शिकार करने के लिए हमारे चार भाई गए हुए थे करज गावन। वहां के गांव के लोगों ने, वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, मुझे उनकी कोई सफाई नहीं देना है। उनके पास मोर मिला, मुझे कुछ नहीं बोलना है, कानून अपना काम करे। लेकिन क्या इससे पहले इस शहर के इतराब में ऐसी वारदात हुई क्या? गाड़ी पलटा दी गई, मारा गया, पुलिस में जमा, उसके पीछे ज़हनियत बदल रही है इतराब के लोगों की। मैं बोलना चाहता हूं आपको, मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों से, क्या आप भंगार का धंधा करने जाते, आप मच्छी मारने जाते, आप रेडीमेड बेचने कपड़ा बेचने जाते, आप फ्रूट बेचने जाते, सब्जी बेचने जाते, बेडशीट बेचने जाते, चादर बेचने जाते, छोटा मोटा व्यापार करने आप जाते हो, तो आपको ये शहर के अंदर दूसरा रोजगार कहां है मुझे बताओ? अगर ये शहर में मालूम आएगी तो रोजगार से भी जाएंगे और मुसीबत भी बोल लोगे। ये बात का फैसला आज आप लोगों को करना है, सोच समझ के वोट देना है। मैं यही आप लोगों से आज अपील करने के लिए खास तौर पर आया हूं और गुरुवार वार्ड की आवाम को मैं इस बात का वादा करता हूं कि आपके एक एक घर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी, मेरी अपनी होगी। आप इसकी फिक्र ना करें। और मुझको अगर आपने एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर भेजा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके 5 साल के बच्चों से लेकर मेरी शुरुआत होगी, उनकी तरक्की कैसे हो, बड़े होकर वो तालीम कैसे हासिल करे, कैसे शहर को नए रोजगार मिले, मैं ये वादा आप लोगों से करता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मुझको पंडे निशान पर एक नंबर बटन दबाकर और देकर कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।